सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री सावरिया सेट नर्सरी। और गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, समर सीज़न आ चुका है, गर्मियों का सीज़न आ गया है। और गर्मियों के सीज़न में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है सैकुलेंट्स के साथ आती है। और सैकुलेंट्स में हर एक घर में पाए जाने वाला जो पौधा है वो है लक्ष्मी कमल। और अक्सर जो है कि गर्मियों के टाइम लक्ष्मी कमल हर एक व्यक्ति का जो है कि डेड होने लगता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको वही बताएंगे कि समर सीज़न में लक्ष्मी कमल को केयर कैसे करें, उसे गर्मी से मरने से कैसे बचाएं, और उसमें वाटरिंग किस हिसाब से करें, किस तरीके की जो है कि मीडिया यूज़ करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, लक्ष्मी कमल जो होता है हिंदुओं में काफ़ी बढ़िया प्लांट माना जाता है। इससे लोगों का मानना होता है कि लक्ष्मी कमल जो होता है, लक्ष्मी प्लांट, इसे इचिबेरिया भी कहते हैं, इसमें जो है कि लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। मार्केट में आपको लक्ष्मी कमल जो है कि दो तरीके के मिल जाएंगे। एक जिसके जो ये कॉर्नर होते हैं वो पिंक नहीं ग्रीन होते हैं, दूसरा जो जिसके कॉर्नर जो है कि पिंक होते हैं। तो ओरिजिनल लक्ष्मी कमल जो होता है गाइस, यही वाला होता है जिसके जो कॉर्नर होते हैं ये पिंक कलर के होते हैं। तो मार्केट में जब भी आप लक्ष्मी कमल परचेज़ करें तो ये चीज़ का याद रखें आप कि लक्ष्मी कमल जो है पिंक कॉर्नर वाला ही हो। और लक्ष्मी कमल जो है कि काफ़ी कॉस्टली आता है, 300 to 500 समथिंग जो है कि मार्केट में आपको मिलता है। तो काफ़ी लोग जो है कि इसे ख़रीद पाते हैं, काफ़ी लोग नहीं ख़रीद पाते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप जब भी लक्ष्मी कमल ख़रीदें तो आप ये चीज़ याद रखें कि वो हेल्दी प्लांट हो, उसके जो लीफ वगैरह हों वो कहीं से डेड ना हो रहे हों और उसमें ओवर वाटरिंग ना हो रही हो, क्योंकि काफ़ी नर्सरी वाले जो है कि केयर नहीं कर पाते, जिस कारण से जो है कि उनके लक्ष्मी कमल में ओवर वाटरिंग हो जाती है और उनके जो लीफ होते हैं गल जाते हैं। दैन अगर हम परचेस करके लेकर आते हैं तो कुछ दिनों में जो है कि हमारे घर पे भी वो प्लांट डेड हो जाता है। तो ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो अब बारी आती है कि किस तरीके की मीडिया यूज़ करें गर्मियों के टाइम लक्ष्मी कमल में। सो गाइस, जो मीडिया है वो हम इस टाइम ले रहे हैं सिंडर जो होती है गाइस, इसे खंगर भी कहा जाता है। ईंट के भट्टे जो होते हैं उसमें से निकलने वाली जो नीचे की चूरन बचती है उसे सिंडर और खंगर कहा जाता है। तो इसमें आप लक्ष्मी कमल हुआ, सैकुलेंट्स हुए, या फिर आपके अडेनियम हुए या रोजेज़ हुए, अगर इनमें से कोई भी प्लांट आप सिंडर में लगाते हैं तो काफ़ी बढ़िया तरीके से चलता है। इसमें कभी भी जो है कि अभी की ओवर वाटरिंग नहीं होती है और इसमें एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र भी डालना कोई कंपल्सरी नहीं होता है, और इससे जो है कि पानी विड्रेन काफ़ी बढ़िया तरीके से हो जाता है। तो चलिए लक्ष्मी कमल को जो है कि हम रिपोर्ट करते हैं। सो गाइस, जिस पॉट में हम लक्ष्मी कमल रिपोर्ट करने वाले हैं, जो अभी लक्ष्मी कमल लगा है उस पॉट से बड़ा साइज़ होना चाहिए। जैसा कि लक्ष्मी कमल जो है हमारा 3 इंच पॉट में लगा हुआ है, और जिस पॉट में हम रिपोर्ट करेंगे वो जो पॉट है हमारा 5 इंच है। सो गाइस, सबसे पहले जो है कि जो हमारा लक्ष्मी कमल लगा हुआ है जिस मीडिया मिट्टी में, उस मिट्टी को हमें साइड कर लेना है, क्योंकि खंगर में अगर हम लगाते हैं तो खंगर में मिट्टी का एक भी कोई तिनका नहीं रहना चाहिए। ये देखिए, हमने जो है कि लक्ष्मी कमल से सारी मिट्टी निकाल दी है और इसके जो रूट से अब आपको सारे क्लियर दिख रहे हैं, और रूट से जो मिट्टी वगैरह लगी हुई थी इसकी मीडिया वो भी हमने पूरी तरीके से निकाल दी है। अब बारी आती है इसे सिलेंडर में लगाने की। तो ये रहा हमारा पॉट, और ये रहा हमारा सिंडर, और ये रहा हमारा लक्ष्मी कमल। तो सबसे पहले क्या है कि आपको पॉट कुछ इस टाइप का लेना है जिसके ड्रेनेज होल काफ़ी बढ़िया हो, ताकि जो है कि पानी रुके ना। तो ये रहा हमारा सिंडर, हम इसे इसमें डाल लेते हैं। ये देखिए, और ये रहा हमारा लक्ष्मी कमल। तो आपको थोड़ी और हाइट इसकी बढ़ानी है, तो हाइट के लिए जो है कि मैं मोबाइल कहीं एक जगह रख देता हूं, तो फिर हम करते हैं आगे। सो गाइस, जो है कि मोबाइल को एक जगह हमने स्टेबल कर दिया, इसके बाद जो है कि हम लक्ष्मी कमल को थोड़ा ऊपर लेते हैं, और इसके आजू बाजू चारों साइड से जो है हमारा सिंडर, जिसे खंगर भी कहा जाता है, खंगर को जो है कि इसमें अच्छे तरीके से डाल लेना है, और थोड़ा जो है कि ये लूज़ रहेगा तो आपको एक स्टिक ले लेनी है, और इसमें जो खंगर डाला है हमने उसे जो है कि इस तरीके से इसे पुश करना है, ताकि जो खंगर में बीच में स्पेस बना हुआ है वो स्पेस फिल हो जाए और इसके जो रूट्स हैं अच्छे से
स्टेबल हो जाए, इसमें जो है कि खंगर के साथ मिक्स हो जाए, जिससे कि प्लांट जो है हमारा लक्ष्मीकमल वो इधर उधर कहीं भी मूव ना करे और बढ़िया तरीके से रखा रहे। होता क्या है, सैकुलेंट्स के रूट्स में अगर हवा लग जाती है तो उनके डेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस चक्कर में आपको ये चीज़ ध्यान रहे कि आपको अच्छे तरीके से इसे रिपोर्ट करना है, कहीं भी स्पेस ना रहे। सो हमारा लक्ष्मीकमल जो है कि गाइस बढ़िया तरीके से रिपोर्ट हो चुका है, और जो है कि हम आप देखिए रिपोर्ट होने के बाद काफ़ी बढ़िया लग रहा है हमारा लक्ष्मी कमल। और हमने बड़ा पॉट लिया है तो इससे होगा क्या कि जो लक्ष्मी कमल है उसकी ग्रोथ वापस से स्टार्ट हो जाएगी। और गाइज़ अगर हमारे वीडियो से आपको थोड़ी भी जानकारी मिली है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है।